पाकिस्तान सुपर लीग 2023 सीज़न 8 का अगला मैच कल शाम को पिशावर जलमी वर्सेस कराची किंग्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच कितने बजे शुरू होगा और इस मैच का टॉस टाइम क्या होगा और आप इस मैच को किन टीवी चैनल्स और लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पर लाइव देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में बग़ैर कुछ अदायगी किए, तो आज की वीडियो में हम आपको यही सब बातें बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 सीज़न 8 का 17वां मैच कल शाम को पिशावर जलमी वर्सेस कराची किंग्स शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा और टॉस टाइम 6:30 पर होगा। ये मैच आप पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स एचडी और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस में Draaz.pk की एप्लीकेशन और तमाशा की एप्लीकेशन मौजूद है, वहाँ पर आप बिल्कुल मुफ्त में ये मैच देख पाएंगे बग़ैर कुछ अदायगी किए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आप जानना चाहते हैं PSL 8 के तमाम मैचेस आप कहाँ कहाँ पर लाइव देख सकते हैं, तो इस हवाले से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पर बनाई गई वीडियो देखें, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप जान पाएंगे कि आप किन टीवी चैनल्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पर PSL 8 के तमाम मैचेस देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप फेसबुक पर भी PSL 8 के तमाम मैचेस लाइव देख सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी में। आपको करना ये होगा, फेसबुक पर जाके लिखे पिशावर जलमी वर्सेस कराची किंग्स लाइव PSL मैच, तो आपको किसी ना किसी पेज पर ये मैच लाइव HD क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल पर जाकर लिखें cricstreams.me तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट पर मुख्तलिफ चैनल्स अवेलेबल होंगे तो आप वहां पर भी PSL 8 के तमाम मैचेस लाइव देख सकते हैं। और इस वेबसाइट के अलावा cricshd.com की वेबसाइट पर भी आप PSL 8 के तमाम मैचेस लाइव और फ्री में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सकें।